Hi guys, welcome back in another video. Guys, यार आज अपने पास Redmi का newly launched smartphone Redmi 13C 5G और guys ये 10,000 के अंदर आने वाला पहला 5G smartphone है। तो guys इस smartphone को मैं पिछले 10 दिन से use कर रहा हूँ as a primary device। तो आज के इस video में complete detail में बात करने वाले कि भाई 10 दिन में इसे use कर रहा हूँ, कैसा लगा कैसा नहीं लगा और क्या आप इसे 10,000 में आपको ये स्मार्टफोन खरीदना चाहिए, आपके 10,000 रुपए इस पे आपको लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए, 5G के अंदर कैसा चलता है कैसा नहीं चलता, मुझे 10 दिन में इसके अंदर क्या प्रॉब्लम्स आई यूज करने में, क्या अच्छा लगा, सब कुछ आज की इस वीडियो में मैं डिटेल में बात करने वाला हूं। और अगर आप इस स्मार्टफोन को खरीदने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा, इसमें आपको सारी स्पेसिफिकेशंस के साथ में कंप्लीटली रिव्यू आपको देखने मिल जाएगा कि आपको ये खरीदना है या नहीं खरीदना। तो गाइस विदाउट वेस्टिंग अ टाइम बढ़ते हैं वीडियो के अंदर आगे। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। एंड गाइस सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने फोन की स्पेसिफिकेशंस के साथ में। गाइस सबसे पहले बात कर ली जाए इसकी डिजाइन की, गाइस ये आपको काफी प्रीमियम लुक एंड प्रीमियम डिजाइन के साथ में आपको देखने मिल जाएगा। है ये 10,000 रुपए का, बट गाइस इसकी जो डिजाइन है वो आपको कई फ्लैगशिप लेवल के स्मार्टफोन्स के, जैसे 20-30,000 के स्मार्टफोन्स आते हैं वैसे आपको इसके अंदर डिजाइन आपको देखने के लिए मिल जाएगी। गाइस ये तीन कलर वेरिएंट्स के अंदर आता है, अभी ये ग्रीन कलर है जो मेरे पास है एंड एक और कलर है मेरे पास व्हाइट कलर, एक ब्लैक कलर के अंदर भी आता है। एंड गाइस रेडमी ने इसको काफी यूनिक नाम दिया है इस डिजाइन को, स्टार ट्रेल डिजाइन। एंड गाइस यहाँ पर आपको जैसे आप हर एक मूव करोगे वैसे वैसे आपके बैक पैनल में जो इसके कलर्स एंड जो स्टार्स की डिजाइन है वो चेंज होती नजर आएगी, जो इसको काफी एक अलग एक डिजाइन लुक प्रोवाइड करता है। एंड गाइस ये तो थे इसके डिजाइन एंड पोर्ट्स एंड बटन्स की बात करी जाए तो 10,000 के अंदर आता है तो इसके अंदर आपको 3.5mm जैक भी देखने मिल जाता है, साइड फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाता है, नीचे की तरफ आपको सिंगल स्पीकर देखने मिल जाता है, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट देखने मिल जाता है, नॉइस कैंसलेशन माइक देखने मिल जाता है। पोर्ट्स एंड बटन्स की कोई कमी नहीं है गाइस, सारे पोर्ट्स एंड बटन्स आपको इसके अंदर देखने के लिए मिल जाते हैं। एंड गाइस उसी के साथ में अगर बात करी जाए इसके डिस्प्ले के बारे में, गाइस मैं पिछले 10 दिन से इसे यूज कर रहा हूँ। एंड गाइस इसकी अगर सेफ्टी के बारे में बात करी जाए, गाइस इसके आपको बैक पैनल के अंदर गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन दी गई है एंड आगे की तरफ कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन है। तो गाइस अगर आप मतलब इसे यूज कर रहे हो तो कवर के साथ ही यूज करें, मैं तो यही रिकमेंड करूंगा, वरना ग्लास बॉडी है अगर एक बार भी आपके हाथ से गिरता है तो ये क्रैक हो जाएगा। गाइस उसी के साथ में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अपने डिस्प्ले के बारे में। गाइस यहां पर आपको 6.73 इंचेस का HD प्लस LCD डिस्प्ले आपको देखने के लिए मिल जाता है विथ 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ में। एंड गाइस इसकी ब्राइटनेस वगैरह मैं इसको सनलाइट के अंदर टेस्ट किया हूँ पिछले 10 दिन के अंदर, तो मेरे को ये ब्राइटनेस वगैरह इसको काफ़ी ठीक लगी है, मतलब सनलाइट के अंदर भी आपको एक अच्छा खासा ब्राइटनेस आपको लेवल देखने के लिए मिल जाता है। उसी के साथ में गाइस यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर अगर कलर्स की बात करी जाए तो कलर्स भी आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाते हैं, जिसकी अगर 10,000 के प्राइस रेंज के हिसाब से बात करी जाए तो कलर्स भी आपको काफ़ी ठीक ठाक इसके अंदर देखने के लिए मिल जाते हैं डिस्प्ले के अंदर। एंड गाइस अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अपने स्मार्टफोन के प्रोसेसर के बारे में। गाइस इसके अंदर आपको एक काफी बढ़िया प्रोसेसर देखने मिल जाता है। गाइस रेडमी ने ये जो 15-16 हजार का प्रोसेसर आता था वो आपको 10,000 के स्मार्टफोन में दे दिया है, तो लिटरली काफी बढ़िया इसके अंदर आपको प्रोसेसर दिया गया है, मीडिया टेक डायमेंसिटी 6100 प्लस वाला प्रोसेसर दिया गया है। गाइस ये जो 15-16 हजार के स्मार्टफोन में आता था वो प्रोसेसर है जो आपको एक 10,000 के स्मार्टफोन में मिल रहा है। अगर इसकी कैपेबिलिटीज की एंड गेमिंग वगैरह की बात करी जाए, गाइस इसके अंदर आप पबजी वगैरह नॉर्मल सेटिंग्स के अंदर इजीली खेल पाओगे, कोई भी लैग वगैरह इसके अंदर देखने नहीं मिलता है। 40 FPS के अंदर आप इसके PUBG वगैरह BGMI वगैरह इजीली खेल पाओगे। एंड गाइस जो छोटे मोटे टास्क है आप अगर मतलब इसके हैवी टास्क मैंने इसके करके देखा है, गेम प्ले मैंने इसके अंदर करके देखा है, मैंने लिटरली क्रोम के अंदर 40 टैब्स ऑन करके देखा था, कोई भी इसके अंदर लैग वगैरह मेरे को देखने के नहीं मिला। उसी के साथ में गाइस मैंने बैकग्राउंड के अंदर 4-5-6-7 एक साथ ऐप्स यूज करके देखे हैं, बैकग्राउंड में रन करके देखे हैं, मेरे को कोई भी इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं देखी। एंड गाइस अगर 5G कैपेबिलिटीज के साथ में बात करी जाए, ये 10,000 के अंदर आने वाला, मैं जैसे मैंने पहले भी कहा था, ये पहला स्मार्टफोन है जो 5G कैपेबिलिटीज के साथ में आता है। एंड गाइस 5G मैंने इसके अंदर टेस्ट किया है, काफी बढ़िया इसके रिजल्ट्स निकल के आए, मेरे को कोई भी एकदम प्रॉब्लम नहीं आई। मैं अभी जहां रहता हूं मेरे को अच्छे से 5G के टावर्स देखने के लिए मिल जाते हैं, 5G नेटवर्क आता है, तो मैंने वो टेस्ट किया है गाइस, मेरे को इसमें कोई भी 5G के अंदर कोई भी प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिली है। एंड गाइस उसी के साथ में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं इसके स्टोरेज के बारे में। गाइस इसके अंदर आपको फास्ट UFS 2.2 वाला स्टोरेज देखने के लिए मिल जाता है, जो इजीली आपको रीड राइटिंग स्पीड है काफी आपको ठीक ठाक देखने मिल जाएगी। उसी के साथ में गाइस यहां पर आपको अप टू 16GB वर्चुअल रैम इसको इंक्रीज करने के लिए देखने को मिल जाएगा, मतलब इसको 8GB आपको मिल जाएगा, 8GB वर्चुअल रैम इसके अंदर आप बढ़ा सकते हो या 4GB
128 वाला जीबी आप वेरियंट लेते हो तो 4GB प्लस यहाँ पे आपको 8GB और आप एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हो वर्चुअल रैम के थ्रू। तो गाइस इसका जो स्टोरेज है वो भी आपको काफ़ी अच्छा खासा ह्यूज स्टोरेज देखने मिल जाएगा। जो बेस वेरिएंट है 4GB 128 वाला वो आपको अराउंड अगर ऑफर्स के साथ लगाओगे तो 10,000 के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। एंड गाइस उसी के साथ में बात करते हैं इसके कैमरा डिपार्टमेंट की। गाइस यहाँ पे आपको 50MP के ड्यूअल कैमरास देखने के मिल जाएंगे। जो AI कैमरास है गाइस काफ़ी आपको जो फोटोज है लो लाइट में और यहाँ पे लाइट के अंदर आपको काफ़ी अच्छी खासी ठीक ठाक बेस वाली फोटोज निकाल के दे देते हैं। हाँ थोड़ा सा कलर को आप थोड़ा ज़्यादा सैचुरेट कर देते हैं। एंड उसी के साथ में गाइस यहाँ पे आपको फ्रंट के अंदर 5MP का सेल्फी शूटर देखने को मिल जाएगा जो भी आपको काफ़ी ठीक ठाक सेल्फीज आपको निकाल के दे दे रहे हैं। एंड उसी के साथ में गाइस लास्ट एंड लीस्ट अपन बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन की बैटरी के बारे में। तो गाइस इसके अंदर आपको 5000mAh की बड़ी बैटरी देखने मिल जाएगी जो आपको 1.5 से 2 दिन तक इजी बैटरी बैकअप दे देती है। मैं नॉर्मली से इसे यूज़ करा था जैसे गेमिंग में करी मैंने इसके अंदर, यहाँ पे आपको डेली डे टू डे टास्क में मैंने सुबह इसको चार्ज करता था इजीली, मेरे को ये 1.5 दिन तक नॉर्मली आपको चल जाता था। मैंने इसके अंदर एक आध मूवी भी देखी है तो उसके हिसाब से मेरे को 1.5 दिन तक इसका बैटरी बैकअप मिल गया था। बट गाइस इसके ये आपको 18W के चार्जर के साथ में सपोर्ट करता है, बट इस आपको बॉक्स के अंदर आपको ओनली 10W का ही चार्जर आपको देखने के मिल जाता है। तो अगर आप 18W का अगर आपके पास चार्जर है तो उससे आप इजीली से फास्ट चार्जिंग भी कर सकते हो। तो गाइस अब बात कर लेते हैं क्या आपको ये 10,000 के अंदर ये स्मार्टफोन खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। गाइस अगर आपका 10,000 का ही बजट है और गाइस आप एक काफी अच्छा 5G स्मार्टफोन देख रहे हैं, मतलब काफी मार्केट के अंदर और भी कई सारे स्मार्टफोन्स हैं जो 4G स्मार्टफोन से अभी तक 5G स्मार्टफोन में 10,000 के अंदर इतना बढ़िया आपको ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिलता है, तो आप इजीली आप गाइस 5G मतलब आपका 10,000 का बजट है तो आप इजीली स्मार्टफोन के साथ में जा सकते हो। एंड गाइस 2024 के अंदर भी काफ़ी नए स्मार्टफोन्स आने वाले हैं, बट अगर आपको अभी कोई नया स्मार्टफोन खरीदना है और आप अगर सोच रहे हो इस स्मार्टफोन के बारे में तो गाइस इसके अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलेगी, आप इजीली इसे खरीद सकते हो। तो इफ़ यू अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो काफ़ी बढ़िया स्मार्टफोन है, 10,000 के अंदर आप इजीली इसे बाय कर सकते हैं। सो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं आपको किसी और नई वीडियो के साथ में, जब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।